Disconnected, please wait. Don't leave the meeting. Just wait for reconnection. But I'm hopeful that now things will remain in contact. Okay. As you may remember, we have covered up to in dipping layer case, the estimation of thickness of layers for dipping layer case, we have covered that topic. And now we are moving towards some other cases that usually we face in the field during this seismic refraction survey. Okay, I'm just making it a little larger. Okay, now today's hour, we have a couple of topics for today's lecture, which includes some cases of discontinuities, faults, and some corrections on refraction survey. We'll see all that stuff in today's lecture. And if people are still not connected, please ask them, let's join the class, because still I have 23 students in my Google room. Okay, as you may remember, previously we discussed about dipping layer case, where we derive some formulas for the estimation or calculation of thickness of first layer. Now, in today's lecture, we will see this case. First of all, let's observe the figure at bottom. Figure number 3.12. At the bottom, as you can observe here, here is a discontinuous boundary. Okay. In geophysics, whenever we develop a model, जब भी हम कोई model develop करते हैं, कुछ किसी चीज को imagine करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको इस form में imagination की जाए, कि उसका कोई mathematical solution जो है वो produce किया जा सके. तो in reality जो है आपकी जो discontinuous surfaces हैं, वो इतनी plain या बिल्कुल straight नहीं मिलेंगी आपको. They will always be, you can say, undulation in those surfaces. But in geophysics, we prefer, before going for real identification of subsurface, we try to imagine it in such a form that we can perform some mathematical calculation. So that's why here, in this figure, figure 3.12, at the bottom of this figure, the author introduced a discontinuous surfaces using some straight lines or straight layers. जैसे आप observe कर सकते हैं कि इस point C पे आपकी जो surface breakage है, तो mostly इस तरह की surface breakage जो है, वो आपको fault के case में मिलेगी, या horst and graben structure you have already studied, उन case में आपको मिल सकती है. कि कोई प्लेन फॉल्ट प्लेन्स जो है उसके लॉन्ग कोई मूवमेंट हुई है, तो एक साइड पे आपकी हैंगिंग वॉल है और एक साइड पे आपकी फुट वॉल है. तो फॉल्ट के केस में डिसकंटिन्यूस बाउंड्रीज जो है वो इस तरह की आपको मिलेंगी, ब्रेकेज होगा. तो लेट्स सपोज के यू डू नॉट नो अबाउट द जियोलॉजी ऑफ योर एरिया, आपको कोई नॉलेज नहीं है कि सब सरफेस में फॉल्ट है या नहीं है. आपको जस्ट बेसिक जियोलॉजी का कुछ आइडिया है, कुछ लेयर्स हैं और आप सर्वे परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसमें जो टेक्निक है कि कैसे हमें फर्स्ट असेसमेंट मिलेगी, कैसे हमें आइडिया होगा कि व्हाट वी आइदर वी हैव सम डिसकंटीन्यूअस सरफेस और नॉट, तो वो आपको प्रोवाइड करेगी आपकी डाटा प्लॉटिंग. जो आप डाटा एक्वायर करेंगे इस साइज़मिक रिफ्रैक्शन सर्वे में, उसको आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. तो प्रीवियसली हमने देखा कि स्ट्रेट लेयर्स के केस में हम बड़ा इजीली जो है वो लेयर्स का जो रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और इजीली उनके ट्रेंड एस्टेब्लिश कर सकते हैं.
लेकिन अगर डिसकंटिन्यूस सरफेस होगी तो आपको इस किस्म का ट्रेंड जो है आपके डाटा सेट पे नजर आएगा कि आपके जो है पॉइंट्स जो है वो एब्रप्टली जो है उनमें वेरिएशन जो है वो आपको ग्राफ पे ऑब्जर्व होगी। जब डाटा जो रिकॉर्ड होगा साइज्मोग्राम जो होगा जिसपे विगल्स हैं उसके शायद इतना अच्छा आइडिया ना हो, लेकिन जब उस डाटा को रीड करने के बाद उसका टाइम नोट करने के बाद ऑन ईच रिसीवर और जियोफोन जब आप उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो और ट्रेंड एस्टेब्लिश करेंगे लीनियर लाइन से, तो कुछ इनिशियल लाइंस जहां पे ब्रेकेज नहीं है वहां तो इजीली आप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर सकेंगे, लेकिन जो नहीं ब्रेकेज सरफेस आएगी कोई डिसकंटिन्यूस सरफेस आएगी तो दिस इज अ टिपिकल ट्रेंड यू कैन से इन अ आइडियल सिनेरियो आपका जो डाटा है वो इस किस्म का ट्रेंड जो है वो शो करेगा। आपको लगेगा कि कुछ पॉइंट्स कंटिन्यूसली अपर साइड पे एक ट्रेंड जो है वो आपको बनता हुआ नजर आएगा आपके ग्राफ पेपर के ऊपर, और मे बी यू हैव कपल ऑफ पॉइंट्स इन बिटवीन दीज टू ट्रेंड एज शोन इन दिस फिगर 3.12। तो फर्स्ट टेक्निक जो है, अगर आपको जियोलॉजी अननोन है, आप जस्ट सर्वे कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है कि नीचे कोई सब सरफेस में फॉल्ट है या नहीं है, तो आपको उस डाटा को प्लॉट करना है ग्राफ पे। अब इसके लिए सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, आप इसे कंप्यूटर पे भी प्लॉटिंग कर सकते हैं डाटा की, और फिर उन ट्रेंड्स की बेस पे आप आइडेंटिफाई करेंगे या असेस करेंगे कि मेरे इन पॉइंट्स पे जो है सब सरफेस में कोई डिसकंटिन्यूस बाउंड्री या कोई फॉल्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है सब सरफेस में, और इस तरह आप इनके वेलोसिटीज जो हैं वो स्लोप लेके वेलोसिटी जो कि ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस सेशंस में, एंड आई एम होपफुल यू नो अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप एंड हाउ देन हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम दैट स्लोप। तो उसके डिटेल में हम इस ग्राफ में नहीं जाएंगे। ठीक हो गया, फर्स्ट हो गया कि आप ग्राफ से जस्ट पोजिशन ऑफ योर फॉल्ट जो है वो असेस कर सकते हैं कि किन जियोफोन्स पे या किन रिसीवर्स पे जो है पॉइंट्स में जो है वो डिस्टर्बेंस आपको नजर आई है, उन जियोफोन्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिर सरफेस पे आपने इनके कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन किए होते हैं अपने ग्राफ में या जब डाटा आप एक्वायर कर रहे होते हैं तो इजीली फील्ड में भी जहाँ जहाँ ये जियोफोन फिक्स किए गए हैं उन लोकेशंस को आप हाईलाइट कर लेते हैं कि फील्ड में सरफेस में इन लोकेशन पे बिल्कुल डाउन अगर हम जाएं तो वहाँ पे फॉल्ट जो है वो आपको सब सरफेस में मिल सकता है। तो शैलो में भी फॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके जियोलॉजी स्ट्रक्चर जियोलॉजी और उसमें सारे कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर होंगे, और अगर आप हिली एरियाज में जाएं तो वहाँ आपको शैलो डेप्थ पे इस तरह के फॉल्ट्स काफ़ी मिलेंगे, और अगर आप प्लेन एरियाज की बात करें थिक सॉइल लेयर्स की बात करें पंजाब की बात करें तो पंजाब में शायद आपको शैलो लेयर शैलो डेप्थ में जितनी इन्वेस्टिगेशन मोस्टली हम सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए करते हैं वहाँ शायद ये फॉल्ट ना मिलें। तो मोस्टली आपका जो अपर पंजाब है नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ अगर आप फ्रैक्शन सर्वे या उस तरह के एरिया में वर्ल्ड में कहीं भी आप सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं यस के शैलो सब सरफेस या शैलो डेप्थ पे भी फॉल्ट जो है वो पॉसिबल है। हो गया सेकंड है, अब इसमें एक टारगेट तो हमारा अचीव हो गया, हमें लोकेशन ऑफ फॉल्ट जो है सरफेस पे उसका आइडिया जो है वो ग्राफ प्लॉटिंग से हो जाएगा। सेकंड है अब लेयर थिकनेस, कि अब ये डाटा तो आ गया आपके पास तो इसके क्या फार्मूला क्या इसके लिए रिलेशनशिप होना चाहिए कि आप वो फार्मूला यूज करके तो आप जो है लेयर की थिकनेस बता दें, क्योंकि इसमें थिकनेस जो है वो वेरी कर रही है फॉल्ट के एक साइड पे थिकनेस डिफरेंट है कंपेयर टू अदर साइड, क्योंकि एक साइड पे आपकी लेयर शैलो है एक साइड पे लेयर डीप है, तो दोनों साइड पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी थिकनेस ऑफ लेयर जो है चेंज हो रही है। तो जो डाटा इस फिगर में आपके 8.12 से 8.24 तक रिसीव हो रहा है वो डीपर लेयर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, और जो डाटा आपको इनिशियल आपके रिसीवर्स और जियोफोन पे रिसीव हो रहा है वो आपके शैलो लेयर से रिफ्लेक्ट होके सिग्नल जो है वो आपके पास आ रहे हैं। तो इसी तरह आपकी जो थिकनेस है वो आपकी वेरी कर रही है अलोंग ऑल योर लेंथ और अलोंग द लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन। तो उसके लिए आपको जस्ट इसी फिगर में से एक ट्राइंगल सबसे पहले एस्टेब्लिश करनी है, दैट्स नाउ होपफुली यू आर ट्रेंड वेल आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ ऑन डिपिंग लेयर फ्लैट लेयर
identifying triangles. Hopefully now you can easily work on it. तो इसके अंदर जो एक ट्राइंगल जो आपकी सरफेस पे बन रही है डिसकंटिन्यूस सरफेस पे, उसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कर सकते हैं कि आई वन टू पॉइंट सी पे एक एंगल जो है नॉर्मल के साथ जो बन रहा है एंगल वो आई वन टू है. इसकी एनालॉजी जो है वो आप यहाँ से सोर्स से भी ले सकते हैं. सोर्स पे आप डिफाइन करें एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे होगा नॉर्मल के साथ इस रिफ्रैक्टेड रे का. तो इसी तरह जब ये रे रिफ्रैक्ट होगी तो उसी एंगल से ये रिफ्रैक्ट होगी, इसे रिफ्रैक्शन एंगल भी आप कह सकते हैं. तो एंगल की पोजीशन एट पॉइंट सी होगी. तो ट्राइंगल यहाँ पे एक आपके पास बनेगी जिसमें आपकी ये डिसकंटिन्यूस सरफेस इन्वॉल्व हो. आपने वो वाली ट्राइंगल इसमें से हाईलाइट करनी है, ऑब्जर्व करनी है या कैलकुलेशन में यूज करनी है जिसमें आपकी ये डिसकंटिन्यूस सरफेस जो है वो इंक्लूड हो रही होगी. तो इस फिगर में डिसकंटिन्यूस सरफेस आपकी BC है, इसे आप फॉल्ट प्लेन भी कहते हैं स्ट्रक्चर जियोलॉजी के टर्म में. तो मोस्टली ये फॉल्ट प्लेन भी आपका इंक्लाइंड होता है इन रियलिटी, लेकिन चूंकि हमने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो इसलिए हम इसको थोड़ा स्ट्रेट अज्यूम करके तो क्वेश्चन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे. तो इसमें जो ट्राइंगल BCE एक ट्राइंगल बन रही है, सी पे आपका I12 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है. तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें तो बुक को हम फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा. ओके, इसी ट्राइंगल के अंदर जो टेन I12 है, तो इस दफा आपने टेन I12 डिटरमिन करना है इसी ट्राइंगल के अंदर. तो टेन I12 होपफुली यू रिमेम्बर फ्रॉम योर बेसिक ज्योमेट्री दैट टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो इसमें जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका BE है और जो आपका बेस है वो H1 है. तो इसने जो ट्राइंगल है वो आपकी इसने ट्राइंगल ली है H1 से. ओके, H1 ओवर D. इसमें थोड़ा सा इसे मे बी बुक में इसने थोड़ा सा एरर में भी डाला हो. लेट्स फिगर आउट फ्रॉम वेयर द बुक इज फॉलोइंग दैट ट्राइंगल. द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रॉम बी रीचेज द सर्फेस विच इज एट रिसीवर आर 13 इन आवर एग्जाम्पल. द डिस्टेंस ऑफ द एक्चुअल ऑफसेट टू द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट इज गिवन बाई डी इक्वल टू H1 इंटू 10 I12. हाँ ठीक हो गया. तो इसी ट्राइंगल को ये ऊपर की तरफ ले गया. सबसे पहले उसने सरफेस पे जो डिस्टेंस है उसको हाईलाइट किया है. तो जो ग्राफ से ले लें फिलहाल आप सरफेस फोकस करेंगे. सरफेस पे जो डिस्टेंस है ये पॉइंट बी को आप पीछे एक्सटेंड अगर करें तो ये एक्सटेंड होने के बाद आपका यहाँ सरफेस पे कनेक्ट करेगा और ये क्लोज डिस्टेंस होगा ये R12 के बिल्कुल नेक्स्ट जो जूफून है अप्रॉक्सीमेटली R13 की पोजीशन होगी. तो इसी ट्राइंगल का एक इमेज जो है इसने अपर लेयर में ड्रॉ किया है जो आपकी नीचे ट्राइंगल बन रही थी. तो इसका अगर इमेज आप ऊपर ड्रॉ करें और अगेन उसमें जो है वो आपका बी पे जो है वो आपका I12 बनेगा. अगर हम इसी जो सी पॉइंट को ट्रांसफर करें अपने इस बी पॉइंट पे तो बी पॉइंट पे जो एंगल होगा रिफ्रैक्टेड रे का और नॉर्मल का I12 वो मैं कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं. और इसका जो सरफेस पे डिस्टेंस होगा दैट इज डी जो कि आप जो है ग्राफ से भी डिटरमिन कर सकते हैं ये जो फोन का क्या डिस्टेंस है. और इसका जो H1 है जो कि बेस है इस ट्राइंगल का वो फर्स्ट लेयर की आपकी थिकनेस है. तो एक तो इसका ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है टेन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप लें तो वो परपेंडिकुलर ओवर बेस करके आप ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो अगेन इस इक्वेशन में जो इश्यूज हैं डी आपको नोन हो सकता है
H1 आपने डिटरमिन करना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट या टेन आई वन टू जो है इसको आप कन्वर्ट करें साइन आई वन टू और कॉस आई वन टू, फिर कॉस आई वन टू को ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशनशिप यूज करके वन माइनस साइन स्केयर आई वन टू अंडर रूट स्केयर रूट, अब ये सारा ऑलरेडी हम मुख्तलिफ जो डेरिवेशन में कर चुके हैं। तो टेन आई वन टू को आप कम्प्लीटली जो है वेलोसिटीज की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। बुक में उसने आई थिंक इसमें ज़्यादा रेफर नहीं किया है, वो डायरेक्ट एक और रिलेशनशिप नीचे वाले ट्राइंगल के लिए इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन अगेन 3.77 जो है इक्वेशन यूज हो सकती है अगर आप टेन आई वन को कन्वर्ट कर लें डिफरेंट रिलेशनशिप स्नेल्स लॉ के थ्रू इन वेलोसिटी फॉर्म में, तो आपके पास टी जो है वो सरफेस से मैयर हो जाएगा, तो एच वन आप डिटरमिन कर सकते हैं, वेलोसिटीज भी आपके पास ग्राफ से आ जाएगी। ओके Now let's see, here is another equation that is following the triangle BCE, जो कि मैंने पहले हाईलाइट की इसी के अंदर कि अगर आप ट्राइंगल BCE को फॉलो करें, इस C पॉइंट पे आपका I1 2 बन रहा है, तो ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आप हाईलाइट करें, और सबसे पहले इसने एक स्टेप मिस किया, आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं, cos I1 2 इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसमें बेस जो है वो आपका डेल्टा टी इंटू वी वन है, डिस्टेंस है जो आप मेजर कर सकते हैं डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करने के बाद वी वन के साथ, और जो आपका डेल्टा एच है दैट इज एक्चुअली योर हाइपोटेन्यूज। तो उसी ट्राइंगल के अंदर जाके आप डेल्टा एच जो है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, और ये जो आपका डेल्टा टी इंटू वी वन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हम डिटरमिन कर रहे हैं इसमें वो आपका वी वन वेलोसिटी के अंदर है, क्योंकि ये सारा जोन जो है यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो आपकी वी वन चल रही है, नीचे जो वेलोसिटी वो वी टू में एंटर होगी। तो इसको मैं डिटेल में ईच एंड एवरी स्टेप नहीं कर रहा क्योंकि इसमें टू थ्री स्टेप इन्वॉल्व हैं, एंड यू हैव ऑलरेडी done a lot of stuff like that in your previous derivation, तो इसको कोशिश कीजिएगा खुद ड्रॉ करें, फिर पेपर पे आप इसके जो मिसिंग स्टेप्स हैं उनको भी पुटअप करें, और फाइनल जो है इक्वेशन जो है 3.78 जो है उसे आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो उसको मजीद cos I1 2 को जैसे मैंने आगे बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप यूज करके आप वेलोसिटी की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर आई वन टू अंडर रूट या स्केयर रूट करके उसके बाद में स्नेल लॉ अप्लाई करें तो ये वेलोसिटी की फॉर्म में आ जाएगा। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस डेरिवेशन में इस तरह की कन्वर्जन जो है वो की हुई है। तो ये जो इक्वेशन है 3.78 दैट इज मोर हेल्पफुल यू कैन से, ये आपको बताएगी आपकी जो फॉल्ट सरफेस की डिस्प्लेसमेंट है, ये डेल्टा एच जो है कि कितनी ये डिस्प्लेसमेंट हुई है या फॉल्ट प्लेन का कितना वर्टिकल डिस्टेंस है, वो आप भी डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3.78। तो मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपका फॉल्ट है तो फॉल्ट को की लोकेशन आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता इसमें सिविल सर्वेज में, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि ये कितनी इसकी फॉल्ट प्लेन की थिकनेस या डिस्प्लेसमेंट जो है इस फॉल्ट का वो कितना है, अपर लेयर और सेकंड लेयर के दरमियान जो मूवमेंट हुई है उसमें कितनी ट्रेवलिंग हुई है या कितनी उसकी थिकनेस है। तो दिस पैरामीटर इज मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम सिविल सर्वेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर डिज़ाइन पर्पस, सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन में जो चीज़ें ज़्यादा कंसिडर होंगी इस फॉल्ट की डिटेल और डिस्प्लेसमेंट की, कितनी डिस्प्लेसमेंट है जो यहाँ पे सरफेस पे हुई है। तो उसके लिए इजीली आप इस ट्रायंगल को फॉलो करके ये इक्वेशन इससे ड्राइव कर सकते हैं, 3.78 इक्वेशन यूज करके आप इसकी डेल्टा एच जो है जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो डेल्टा टी जो है इस इक्वेशन के अंदर वो गेन आप ग्राफ से जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो इनिशियल ग्राफ में आपने देखा हमने जस्ट उसको मैनुअली जो है ट्रेंड को फॉलो करते हुए लाइन को प्लॉट किया है। तो मैं दोबारा जाऊँ फिगर 3.12 में, तो इस फिगर में जस्ट हमने फ्री हैंड से जहाँ जहाँ पॉइंट जा रहे हैं उसको फ्लो के फॉर्म में यहाँ ले गए, मीन के हम शो करना चाह रहे हैं ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है पॉइंट्स का, लेकिन इसको जो एग्जैक्ट वे है जो स्टैंडर्ड वे है इसका कैसे आपने इस किस्म के डाटा को हैंडल करना है,
यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि फॉल्ट के केस में बहुत जरूरी होता है आप दो शॉट करें, एक फॉरवर्ड शॉट और एक रिवर्स शॉट, और दोनों साइड से चीज़ों को कंफर्म करें कि दोनों साइड पे जो चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं वो आपस में मैच कर रही हैं, या उनका कोई रिलेशनशिप बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो इस ग्राफ में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहले लेट्स सपोज कि आपने एक साइड पे सोर्स रखा, दूसरी साइड पे रिसीवर, और एक शॉट जो है वो किया और रिकॉर्ड कर लिया। फिर आपने इनकी पोजीशन रिवर्स कर दी, एज वी डिस्कस इन अ प्रीवियस लेक्चर, कि रिवर्स शॉट जो है सिर्फ आपको सोर्स और लास्ट जियोफोन की पोजीशन जो है उसको रिवर्स करना है, तो आप उसका रिवर्स शॉट ले सकते हैं। फिर उस सारे डाटा को आप प्लॉट करेंगे तो आपको खुद जो है वो डाटा ट्रेंड बनते हुए नजर आ जाएंगे। तो एक साइड पे इसमें सर्कुलर पॉइंट्स हैं जो आपके ट्रेंड एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो रिवर्स शॉट किया गया उसको उसने क्रॉस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, इनिशियल लाइन पे उसने पॉइंट प्लॉट नहीं किए। तो इस तरह आपके ट्रेंड, तो आपको नजर आएगा कि दो ट्रेंड्स जो हैं उनमें एक इंटरवल या डिफरेंस टाइम का ऑब्जर्व होगा आपको ग्राफ डेटा के ऊपर। दैट इज योर डेल्टा टी दैट यू कैन यूज इन योर इक्वेशन फॉर डिटरमिनिंग योर थिकनेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट आपका फॉल्ट के अलॉन्ग हुआ है। तो डेल्टा टी की वैल्यू उस इक्वेशन में आपको इसी ग्राफ से, जब आप डेटा प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो इस ग्राफ से ही मिलेगी। तो अगेन इसमें आपके फर्स्ट ट्रेंड, फिर सेकेंड प्लेयर के लिए ट्रेंड, और अगेन जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपका थोड़ा सा अब्रप्ट वर्टिकल मूवमेंट के बाद पॉइंट्स जो है वो प्लॉट होंगे, और जितना डिफरेंस आएगा जो आपने सेकेंड लाइन प्लॉट की है और बाद में जो थर्ड लाइन है उनका जो वर्टिकल डिफरेंस है दैट इज डेल्टा टी। तो ये एक डेल्टा टी आपको फॉरवर्ड शॉट से मिलेगा और दूसरा डेल्टा टी आपको रिवर्स शॉट से मिलेगा। तो इन आइडियल केस अगर आपने सर्वे में कोई एरर नहीं की है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपके जियो फोन में कोई एरर्स नहीं आए हैं, कोई इश्यूज नहीं हुए हैं, तो आप जो है इजीली जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि ये जो डेल्टा टी जो है ये दोनों साइड पे सेम होना चाहिए, इसकी वैल्यू जो है वर्टिकल मूवमेंट की वो सिमिलर आनी चाहिए। तो फिर आप मेक श्योर हो जाते हैं कि आपका रिवर्स और फॉरवर्ड शॉट ठीक रिकॉर्ड हुआ है। अगर इनमें डिफरेंस आ रहा है देन यू नीड टू चेक योर शॉट्स, यू चेक योर जियोफोन्स सेंसर्स और मल्टीपल जो सर्वे के पैरामीटर्स हैं उनको आपको रीचेक करना है, देखना है कहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो डिपेंड कर रहा होते फील्ड कर रहे होते कितनी एरर मार्जिन को आप एक्सेप्टेबल है किसी एरिया में, तो अगर उस एरर मार्जिन के अंदर अंदर आप हैं तो गुड, अगर आप एरर बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको सर्वे रिपीट करना होगा अंटिल के रिवर्स और फॉरवर्ड शॉट से डेल्टा टी सेम नहीं आ जाता। तो जब ये सेम आ जाएगा तो इसी डेल्टा टी को अपने यूज करना है इस इक्वेशन के अंदर। वेलोसिटीज इसी ग्राफ से आपको स्लोप से डिटरमिन होंगी, तो उन वेलोसिटीज को आप यूज करके तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक हो गया, दिस वॉज योर केस फॉर डिसकंटिन्यूस बाउंड्री। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट में जाके ये चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर आप इमेजिन करें स्ट्रक्चर जियोलॉजी में, अगर नॉर्मल फॉल्ट आपको याद हो तो उसके लिए तो बड़ी ये आइडियल डेरिवेशन है, सारी चीज़ें नॉर्मल फॉल्ट के केस में बड़ी फिट बैठती हैं। लेकिन अगर आपका फॉल्ट रिवर्स हो जाए तो फिर थोड़ा सा टफ है, उसके लिए एक तो डेरिवेशन भी थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि आपका जो सिग्नल है वो यहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा, कोई चीज़ नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा अगर आपकी ये बाउंड्री ऊपर है या नीचे है। तो उस केस में फिर अदर टेक्निक्स भी हैं कि रिवर्स फॉल्ट के केस में कोई सेकंड टेक्निक, कोई ग्रेविटी सर्वे हैं आपके पास, वो भी हम लेटर ऑन इसी सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे कि उन सर्वे से उनकी जो है डिस्प्लेसमेंट या उनकी जो ज्योमेट्री है उसको मैप किया जाए। तो नॉर्मल केस में यस, नॉर्मल फॉल्ट के केस में दिस सर्वे हेल्प यू अ लॉट, बट सम पीपल आल्सो ट्राइड इन द इंडस्ट्री टू ऑब्जर्व द रिवर्स फॉल्ट एज ए, वो फिर फील्ड टेक्निक्स इन सिचू कंडीशन में ही आपको कुछ पैरामीटर खुद ही हिट एंड ट्रायल के थ्रू चेंज करके उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो रिवर्स फॉल्ट की कुछ केस स्टडीज जो हैं वो आपको लिटरेचर में मिल जाएंगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लुक एट दैट, बट फॉर द टाइम बीइंग यू शुड डिवेल्प योर बेसिक आइडियाज अबाउट दीज रिफ्रैक्शन रेज एंड देयर डेरिवेशंस और उनके जो रिलेशनशिप्स हैं। तो फिलहाल आप अगर नॉर्मल फॉल्ट पे फोकस कर लें, इसमें थोड़ा सा आपको फेमिलैरिटी अपनी इंक्रीज करें, इसमें अपने आप को थोड़ा ट्रेन करें
जब फील्ड कंडीशन में अगर इससे कोई कम्प्लेक्स ज्योमेट्री या कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आते हैं तो होपफुली यू कैन हैंडल दोज वन विद योर एक्सपीरियंस। ओके, तो फिगर 3.14 में उसने जस्ट एक मॉडल के जियोलॉजिकली कैसे लेयर्स डिस्टर्ब है, कोई फॉल्ट है कि ये तो कैसे मूवमेंट हो रही है, वेलोसिटी वेरिएशन हो रही है। तो ये जो मॉडल आपको नीचे पार्ट बी में नज़र आ रहा है, ये मॉडल जो है वो डेवलप किया जाता है आफ्टर प्लॉटिंग योर डाटा और ग्राफ। तो इसमें आप देख सकते हैं एक सेंटर शॉट बी इसमें किया गया है। तो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना कम्प्लेक्स है। अगर तो कम्प्लेक्स मीन के स्ट्रक्चर जियोलॉजी के पॉइंट व्यू से काफ़ी डिस्टर्बेंस है, मल्टीपल उसमें फॉल्ट्स हैं, लेयर्स में अंडुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको फॉरवर्ड रिवर्स और सेंटर शॉट, जैसे इसमें एक शॉट सेंटर पॉइंट सेंटर ऑफ योर सर्वे लाइन पे भी किया गया है, तो इस तरह के आपको मल्टीपल शॉट्स जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं फील्ड में। उसके बाद फिर अल्टीमेटली इनके ट्रेंड एस्टेब्लिश करने के बाद फिर अगर उनमें ट्रेंड में जो वर्टिकल वेरिएशन है वो आ रही है उससे फिर असेसमेंट आप करते हैं। तो यू कैन से आफ्टर टेकिंग सम एक्सपीरियंस यू कैन आल्सो परफॉर्म दीज टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन, लेकिन आपके लेवल पे अभी इसका जस्ट आइडिया आपके लिए एनफ है। बाकी जो बेसिक और प्लेन लेयर्स वाले केस हैं उनमें अभी आपको अपने आप को ट्रेन करना है। तो एक दफ़ा अगर आप उसमें अच्छी तरह अपने ट्रेनिंग ले लेते हैं, उनको अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं प्लेन लेयर्स सरफेसेस को, तो फ्यूचर में जब आप फील्ड में अगर आपको चांस मिलता है इन इक्विपमेंट्स में काम करने का, तो ऐसे सर्वे परफॉर्म करने का, तो होपफुली विद एक्सपीरियंस यू कैन लर्न हाउ टू हैंडल दीज कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, हाउ टू डेवलप मॉडल फॉर दीज स्ट्रक्चर, हाउ टू प्लॉट द डेटा फॉर दीज कम्प्लेक्सिटीज। तो लेकिन इस बुक ने आपको थोड़ा सा आइडिया, एडवांस लेवल का आइडिया भी जो है वो प्रोवाइड कर दी है कि एडवांस लेवल इंटरप्रिटेशन जो है उसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ सकते हैं। क्योंकि दिस वाज द केस अबाउट डिसकंटिन्यूड सरफेस, इसमें आपने देखा कि इक्वेशंस को इतनी ज़्यादा लेंथी डेरिवेशन नहीं है, जस्ट इसमें ग्राफ पे ज़्यादा फोकस होगा आपका, ग्राफ ही आपको ज़्यादा हेल्प आउट करेगा इसके अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को रिकग्नाइज करने में। तो प्लॉटिंग जो है उसकी भी प्रैक्टिस फिलहाल मैंने जैसे बताया था मैनुअल प्रैक्टिस भी करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैनुअल प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जारी बात आपने कंप्यूटर पे प्लॉटिंग नहीं करनी है, एग्जाम में ग्राफ पेपर पे मैनुअली आप प्लॉटिंग करेंगे, तो लेट्स प्रैक्टिस फॉर दैट, मेकिंग स्केल्स, मेकिंग ट्रेंड लाइंस, कैलकुलेट स्लोप्स, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में चाहे सिंपल क्वेश्चन आए चाहे थोड़ा सा मीडियम कम्प्लेक्स क्वेश्चन आए, आप उसे हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो मोस्ट बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली मेक एरर इन फर्स्ट मेकिंग द ट्रेंड लाइन्स, कि ट्रेंड लाइन्स वो रॉन्ग जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं, फिर सेकंड वो एरर करते हैं स्लोप कैलकुलेशन में। हालांकि स्लोप वेरी इजी टू डू, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस नहीं होती तो एग्जाम में एग्जाम प्रेशर और दूसरी चीज़ें जब आप ज्वाइन हो जाती हैं तो एक सिंपल कैलकुलेशन भी उसमें भी आप एरर जो है वो फीड कर देते हैं। तो अगर ये बेसिक चीज़ों में आपने एरर कर दी तो अल्टीमेटली आप चाहे इक्वेशन आपने ठीक भी यूज़ की है, फार्मूला आपने ठीक भी यूज़ की है, फाइनल आंसर विल बी रॉन्ग। तो इन चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है, डेटा प्लॉटिंग ग्राफ पे डेली नहीं तो वीक में एक दफ़ा एटलीस्ट जो है कोई डाटा लेके या बुक का डाटा लेके ट्रेंड लाइन एस्टेब्लिश करें, या आपके एक्सरसाइजेज में डाटा मौजूद है, इस चैप्टर 3 की एंड एक्सरसाइज में कुछ डाटा मौजूद है आपके पास, उसे अपलोड करें ग्राफ पे, स्लोप डिटरमिन करें। तो एटलीस्ट वीक में एक दफ़ा इसकी आप प्रैक्टिस फ्यू मिनट्स आपको सिर्फ इस पर सर्व करने हैं, ये नहीं कि पूरा दिन लेके बैठे रहें, that is also not recommended, you have to give time equally to other subjects as well. So, lekin practice jo hai wo continuous aap is pe rakhe, iski slope measurement, iski trend line, phir intercept time, ye sari cheeze jaise jaise aap refresh rakhenge to hopefully exam mein aapko error isme nahi karenge, you can solve your exam question correctly. Okay, here in this section the author mentioned some limitation of seismic reflection survey, so that is I think we have also discussed a couple of times in our previous lectures, lekin
यहाँ पे इस सेक्शन में उसने कैटेगराइज कर दिया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फ्यूचर में भी, जब कभी भी आप ये सर्वे अप्लाई करेंगे और इन दिस सब्जेक्ट भी आपको जो है ये टेक्निकल जो डिटेल्स हैं क्वेश्चंस की, रिलेशनशिप्स की, उसमें जो लिमिटेशंस हैं उनको, उनका नॉन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन लिमिटेशन से आप बियॉन्ड जा रहे हैं तो काफ़ी इश्यूज पे रेज होते हैं। मोस्टली इस किस्म के प्रॉब्लम फील्ड में ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं आपको, जब आपकी जो कंडीशंस हैं टू यूज़ दिस टाइप ऑफ सर्वे और जो इक्वेशंस आपने ड्राइव की हैं उनमें स्नेल्स लॉ बार बार यूज़ हो रहा है, तो स्नेल लॉ की अपनी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो फॉलो नहीं हो रही हैं आपके फील्ड में तो आप इन इक्वेशंस को यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर इन इक्वेशंस जो आपने ड्राइव की मल्टीपल केसेस के में, अगर वो इक्वेशन आप यूज़ नहीं कर सकते तो फिर आप फर्स्ट लेयर की थिकनेस कैसे डिटरमिन करेंगे, दैट बिकम वेरी चैलेंजिंग टास्क इन द फील्ड। तो उसके बारे में अभी हमारी डिस्कशन होगी इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो आपका स्नेल लॉ आपने अप्लाई किया और स्नेल लॉ रिफ्लेक्शन सर्वे को सपोर्ट करता है, तो उसमें ये टू कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि वेलोसिटीज जो हैं वो आपकी इंक्रीज होंगी सक्सेसिवली डीपर लेयर्स में, कि V1 स्मॉलर होगी और जैसे जैसे आपकी लेयरिंग सब सरफेस में बढ़ती जा रही है, डेप्थ ऑफ लेयरिंग, वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो दिस रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट इन द फील्ड। अगर आप स्नेल्स लॉ यूज़ करने जा रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप जितने आपने ड्राइव किए हैं और उसमें स्नेल्स लॉ यूज़ हुआ है, तो अगर उन रिलेशनशिप आपने यूज़ करना है, मेक श्योर कि ये कंडीशंस आपकी फॉलो हो रही हैं फील्ड में। उसी तरह उसके बाद वेव्स क्रिटिकली रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द बाउंड्रीज प्रोड्यूस फर्स्ट अराइवल्स अलोंग सम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो ये भी दूसरी कंडीशन है कि ये हमने प्रीवियस किसी लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि अगर क्रिटिकली रिफ्रैक्टेड नहीं होती तो फिर स्नेल्स लॉ जो है वो अप्लाई करना जो है वो आपके लिए ये टफ होगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ जो है वो ड्राइव ही इसी बेस पे किया गया कि आपकी जो सेकेंड फेज में या इंटरफेस पे जब हिट करेगी तो उसमें कुछ पार्ट जो है वो क्रिटिकली रिफ्रैक्टेड भी होना है, इंटरफेस में जो है उसने क्रिटिकली इफेक्ट भी होना है और कुछ नीचे की तरफ ट्रांसमिट भी करनी है। तो ये कंडीशन भी आपके मीट होनी चाहिए। तो वो जब आप डाटा रिकॉर्ड करते हैं और स्ट्रेट लेयर्स हैं आपकी, प्लेन एरिया में आप वर्किंग कर रहे हैं, डाटा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसमें विगल्स का टाइम जो है वो वेरी हो रहा है विद रिसीवर, तो उससे भी एक डिटेक्शन आप कर लेते हैं कि आपकी रेज जो है क्रिटिकली रिफ्रैक्ट हो रही है इंटरफेस से। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आपके सिग्नल बहुत डिस्टर्ब हैं, कोई ट्रेंड एस्टेब्लिश होता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको साइज़ोग्राम के ऊपर, तो इट्स मीन देयर इज सम प्रॉब्लम कि वहाँ पे शायद रिफ्लेक्शन हो ही रही या सिग्नल आ ही नहीं रहे या फिर वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है। तो रिफ्लेक्शन का भी हमारा चूँकि नेक्स्ट चैप्टर इससे जो पूरा रिफ्लेक्शन का है, जब हम उसको गो थ्रू करेंगे देन यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस केस अभी इस पॉइंट पे मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि शैलो में रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे पॉसिबल है और कैसे उसे असेस किया जा सकता है सरफेस के ऊपर। तो फिलहाल जो है वो थ्री पॉसिबिलिटीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब कोई रे जो है किसी इंटरफेस से हिट करेगी तो क्रिटिकली रिफ्रैक्ट तो उसे होना ही होना है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो कुछ जो पार्ट है वो ट्रांसमिट भी हो जाएगा नेक्स्ट डाउनवर्ड लेयर की तरफ और कुछ पार्ट जो है वहाँ पे पॉसिबल है कि वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, वो ना तो क्रिटिकली रिफ्रैक्ट हो ना ही वो ट्रांसमिट करे, बल्कि वो वापस आ जाए वहीं से जैसे हिट किया है वहीं से वापस हो जाए, सेकंड इंटरफेस में टाइम वो पास करे ही ना। ठीक हो रहा हो गया। तो ये कंडीशंस हैं, अगर ये आपकी फॉलो हो रही हैं दैट्स गुड, रिफ्रैक्शन सर्वे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो फील्ड में क्या ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है कि जब भी आप फील्ड में सर्वे करने जाते हैं तो कीप इन माइंड कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली टेक्निकल पर्सन, आप कभी भी ब्लाइंडली नहीं जाते फील्ड में। फील्ड की जियोलॉजी आपको पहले कलेक्ट करनी है, तो मोस्टली जो जियोलॉजी अगर पाकिस्तान की बात करें ऑलरेडी लॉट ऑफ पब्लिश लिटरेचर इज अवेलेबल, जस्ट आप उस लिटरेचर तक आपको असेस लेनी है, वो लिटरेचर ढूंढना है कहाँ पे क्या है, जो भी आपका एरिया है जहाँ भी आप काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है सब सरफेस जियोलॉजी की उस लिटरेचर से मिल जाती है। तो मोस्टली जो जियोलॉजिस्ट हैं
वो जो अपना जियोलॉजिकल मॉडल किसी भी एरिया का शैलो या डीप का डेवलप करते हैं, वो उसी लिटरेचर बेस्ड इंफॉर्मेशन जो लिटरेचर में ऑलरेडी जो कोई वेल या होल ड्रिल किए गए, स्ट्रेटिग्राफिक होल्स भी कुछ होते हैं वो भी ऑलरेडी पब्लिश किए हुए हैं जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान ने, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन कुछ कलेक्ट की जाती है। कुछ ऑलरेडी जो बुक्स आपकी पब्लिश हैं पाकिस्तान की जियोलॉजी पे, उसमें कोई काफ़ी सारा डाटा मौजूद होता है, तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेके एक इनिशियल जो है अपने एरिया की सब सरफेस जियोलॉजी वो आपके माइंड में होती है, आपके पास पेपर के ऊपर मॉडल जो है वो ऑलरेडी डेवलप हुआ होता है। तो ये भी यही रिकमेंडेशन है किसी भी रिफ्लेक्शन सर्वे या जो फिजिकल सर्वे के लिए कि आप ऑलरेडी जो है एक एनफ इंफॉर्मेशन, जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो आपको करनी है। उसके बाद जो है उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप डिसाइड कर सकते हैं बिफोर मूविंग टू द फील्ड, आप डिसाइड कर सकते हैं आइदर यहाँ पे रिफ्रैक्शन सर्वे परफॉर्म हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो उसमें कंडीशन मीट हो रही है या नहीं हो रही है, और कंडीशन मीट नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, उसके आपको आंसर ढूंढने हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो उस अगर जो अब हम नेक्स्ट जो सेशन वही आ रहा है उसमें मूव करूंगा कि अगर कंडीशन मीट ना हो रही हो तो ये फर्स्ट केस है आपका कि अगर आपकी जो कंडीशन है कि वेलोसिटी जो है डेप्थ के साथ इंक्रीज होनी चाहिए, अगर वो इंक्रीज नहीं हो रही, जैसे आप लेट्स ऑब्जर्व दिस थ्री फिगर 3.15, इसमें ये जो बॉटम पार्ट है तो ये एक जो लेयर आपकी इन बिटवीन आई है जिसकी वेलोसिटी v2 है, तो इसकी लिथोलॉजी या इसकी जो भी जियोलॉजी है वो कुछ इस तरह की है कि वो वेलोसिटी जो है वो लेस है v1 से। तो होपफुली नाउ यू हैव ऑल्सो बेटर सम आइडिया कि साइजमिक वेलोसिटी कब स्लो हो जाती है, कब फास्ट हो जाती है, मटेरियल किस टाइप ऑफ मटेरियल में वेलोसिटी जो है लो हो जाएगी, किस टाइप ऑफ मटेरियल में वेलोसिटी हाई हो जाएगी। तो ये मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी सब सरफेस जियोलॉजिकल लेयर्स हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है। तो फील्ड कंडीशन में कुछ भी पॉसिबल है, और लेट्स सपोज अगर ये एक सिनेरियो आपके सामने आ गया कि जहाँ पे v2 जो है वो लेस हो गई है v1 से, हालांकि अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन और रिफ्रैक्शन सर्वे जो है वो आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, और आपने वहाँ सर्वे भी परफॉर्म कर दिया है, यानी इनिशियली आपको इतना उसका वहाँ पे आइडिया नहीं था, अभी समझ रहे थे ठीक है प्लेन जियोलॉजी है, और जो भी आपको डाटा इनिशियली मिला उसमें भी आपको इस किस्म की चीज़ नहीं मिली। तो दिस इज ऑल्सो वन एडवांटेज ऑफ जियोफिजिकल सर्वेस, जहाँ पे कि क्या एडवांटेज है, कुछ चीज़ें जो आपको मे बी लिटरेचर से या ऑलरेडी लोग उनको आइडेंटिफाई ना कर पाए हों, तो ये सर्वे आपको उस किस्म के सिनेरियो को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। तो इसमें होगा क्या कि अगर आपकी v2 जो है वो लेस हो गई है, तो जब आप डाटा जो है प्लॉट करेंगे इस टाइप का डाटा ग्राफ पे, तो आपके पास थ्री ट्रेंड्स तो स्टेब्लिश हो ही रहे होंगे, आपके पास जो है वो v1 के लिए भी आ रहा होगा, फिर v3 के लिए, v4 तक जो है वो टारगेट आपका अचीव हो रहा है। तो इसमें आपने देखा कि एक लेयर के लिए कंप्लीटली डेटा जो है वो क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। इनिशियली आपने जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें कुछ v1 के पॉइंट्स आएंगे, v2 के भी कुछ पॉइंट आएंगे, फिर v3 के, फिर 4 के, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप 4 लाइंस जो हैं वो 4 इंटरफेस जो हैं वो इस एरिया में आइडेंटिफाई करेंगे। आपने सर्वे भी उसी तरह डिज़ाइन किया, आपने इनिशियल जो जियोलॉजिकल मॉडल बनाया उसमें भी आपको इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ पे 4 डिफरेंट लिथोलॉजिकल लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन एक लेयर ऐसी थी कि जिसमें वेलोसिटी जो है वो आपकी लो हो गई है। तो वो जब आप उसे आप प्लॉट करेंगे तो इनिशियली आपको नहीं पता ये v3 है ये v4 है, आपके सामने सिर्फ थ्री इंटरफेस आप कह लें, या हाँ सॉरी टू इंटरफेस जो हैं वो आपके आइडेंटिफाई हो रहे होंगे, जबकि थर्ड इंटरफेस जो है जो इन बिटवीन है वो बिल्कुल आपका डिस अपीयर हो जाएगा। तो ये आपको कैसे पता चला, अभी आपने आइडेंटिफाई नहीं किया ये v3 v4 है, आपने जस्ट डाटा प्लॉट किया और आपको ये टू इंटरफेस जो मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें सरप्राइज होंगे कि इन ये कौन सा इंटरफेस जो है वो डिसअपीयर हुआ है। पहला तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा इंटरफेस इन बिटवीन जो है वो डिसअपीयर हुआ है, सेकंड था, फर्स्ट था, ये कौन सा वाला है। तो उसमें इस टाइप के टिपिकल जो सिनेरियो है
अगर तो आपका ये वी फोर जो था वो लेस होता, तो वो अगर डिसअपियर होता तो एंड वाला डाटा आपका डिसअपियर होना था, एंड पे डाटा नहीं मिलना था आपको। ये शुरू में एक ट्रेंड और टू ट्रेंड के बाद आपके पास डाटा डिसअपियर हो जाना था, आपको कुछ मिलना ही नहीं था अगर आपका ये वाली वेलोसिटी जो है वी फोर वो जो है वो क्या हो जाती, लो हो जाती। तो मीन्स आपको एंड पे आपके एंड वाले रिसीवर्स पे जो है वो डाटा मिल रहा है, मींस के एंड पे आपकी वेलोसिटी ठीक है, कंडीशंस को फॉलो कर रही है। इसी तरह शुरू में अगर वी वन ही आपकी लो हो जाती तो आपको यहाँ पे कोई डाटा नहीं मिलना था, तो मे बी आपको अगर वी वन ही लो हो जाए तो फिर तो और बड़े प्रॉब्लम है, आगे फॉरवर्ड डाटा भी नहीं मिलता, तो इस किस्म के इश्यूज भी जनरेट हो जाते हैं। तो इनिशियल रिसीवर्स पे भी आपको डाटा मिल रहा है, फाइनल रिसीवर्स पे भी मिल रहा है, मीन्स अगर आपको इनिशियल रिसीवर पे भी डाटा आ रहा है, फाइनल पे भी आ रहा है आपके पास आर वन आर फोर से, और तो मीन्स के आपके इन बिटवीन में कोई इंटरफेस जो है वो आपका डिसअपियर हो गया। तो टू इंटरफेस अगर आपके आइडेंटिफाई हुए हैं, यानी फर्स्ट इंटरफेस भी आइडेंटिफाई हुआ है और सेकंड लॉ भी लास्ट भी आइडेंटिफाई हुआ है, तो जो टू इंटरफेस आइडेंटिफाई हुए हैं वो कौन से हैं, एक फर्स्ट है और एक सेकंड लास्ट है, क्योंकि लास्ट वाला डाटा इसके साथ क्रॉस कर रहा है। तो इन बिटवीन जो इंटरफेस है उसे आप इजीली पकड़ सकते हैं यहाँ से अपने डाटा प्लॉटिंग से, कि जो एक मिडल में इंटरफेस था जिसे वी टू के साथ हैंडल, जिसने वी टू वेलोसिटी देनी थी वो डिसअपियर हो गया। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इन बिटवीन वी टू वाला डिसअपियर हो गया, फिर आप हाईलाइट कर देंगे ये तो वी वन है ही है, फिर आप इसमें यहाँ पे मेंशन कर देंगे अच्छा ये वी थ्री का इंटरफेस है और ये आपको जो डाटा यहाँ से जो स्लोप आएगी वो वी फोर के लिए वेलोसिटी आएगी। ठीक हो गया। तो मेन जो प्लॉटिंग है वहां पे आपने देखना है कि आपका डाटा कोई डिसअपियर तो नहीं हुआ, आप कितनी ट्रेंड लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने डाटा पॉइंट पे। तो अगर उस एक्सपेक्टेशन से आपको कम ट्रेंड लाइंस मिल रही हैं, कम इंटरफेस मिल रहे हैं, तो वो एक अलार्मिंग जो है वो सिचुएशन आपके लिए जनरेट होती है। अच्छा ठीक, मैं बात वाइंड अप करके आ रहा हूँ। कह रहे हैं अपने रूम में बैठे अच्छा रूम में बैठे, ठीक है ठीक हो। तो टैक्स वैक्स करेंगे अब कहाँ करेंगे ये नहीं पता। ओके ओके ओके, सॉरी स्टूडेंट फॉर डिस्टरबेंस, एक्चुअली वी हैव वन मीटिंग विद एचसी, दैट्स व्हाई आई वाज टू बिजी टुडे। ओके ओके, दिस वाज इफ योर डाटा इज डिसअपीयर समवेयर एंड देन यू कैन असेस समथिंग। तो ये जो सारी टेक्स्ट है यहाँ पे इसको आप रीड करेंगे, यही चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं वो यहाँ मेंशन है, उसे आप रीड कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो दूसरा इशू है, ये फर्स्ट इशू हो गया कि इसमें आपकी जो वी टू है वेलोसिटी ही लेस हो गई। तो दूसरा एक इशू आ सकता है आपके पास, दूसरा इशू जो है वो आपका है दिस वाज फिगर 3.15, और इसको आप सारा यहाँ से चेक कर लेंगे। फिगर 3.15 के साथ सारी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, और लो वेलोसिटी जोन इसमें जो टर्मिनोलॉजी में हाईलाइट करना चाह रहा था कि वो आपने लाजमी उस पर फोकस करना है। इस टाइप के जोन को हम ब्लाइंड जोन कहते हैं। ये टेक्स्ट में मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, लो वेलोसिटी जोन, और वी कॉल इट अ ब्लाइंड जोन इन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। बिल्कुल ब्लाइंड चीज़ें जो हैं वो आपके सामने उधर होंगी। इसी तरह फिगर 3.16 में जो है रिसीवर थ्रो एल्सवेयर एट दिस अपर रिफ्रैक्टर और लेटर नाउ इन समसन द इंटरवल बिटवीन क्रॉसिंग डिस्टेंस टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व। ठीक हो गया। फिगर 3.16 में जो है वो एक सेकंड सिनेरियो है कि आपकी लेयर की थिकनेस जो है वो बाद दफा इतनी लेस हो जाती है, जैसे ये H2 है, कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। इस टाइप के केस को हिडन लेयर या हिडन केस भी, आप हिडन लेयर केस भी कहते हैं। कि थिकनेस थिकनेस मीन, अब डिपेंड कर फील्ड टू फील्ड कंडीशन चेंज होती हैं,
अगर आपकी फर्स्ट लेयर की थिकनेस लेस फॉर 5 मीटर है, नीचे भी है, थ्री भी 5 मीटर है, और दरमियान में कोई 1 या less than 1 मीटर की लेयर जो है, मे बी समटाइम फ्यू फीट की एक लेयर, लिथोलॉजिकल लेयर जो है वो आपकी जा रही है, तो वो भी समटाइम जो है वो मिस हो जाती है और वो डेटा प्लॉटिंग पे शो नहीं होती उसको। वो जो थिकनेस की वजह से जो वेलोसिटी तो आपकी बढ़ रही है, वेलोसिटी का रिलेशनशिप ठीक चल रहा होता है, लेकिन आपकी वो लेयर थिकनेस जो है उस वजह से डेटा प्लॉटिंग या डेटा ट्रेंड्स में डिस्टर्बेंस आ जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको V4 और V3 जो है बिल्कुल एक जैसा ट्रेंड, लेकिन उसका जस्ट उसकी थोड़ी सी स्टीपनेस जो है लाइन की वो चेंज हो रही है, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहे हैं इन रिसीवर्स के ऊपर, यानी एक ही टाइप के रिसीवर्स के ऊपर जो है वो आपको पास मल्टीपल ट्रेंड जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो उसमें जो है उस केस में आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन आपका जो है वो कोई थिन लेयर या उसे आप दूसरा नाम हिडन लेयर का नेम दे सकते हैं कि कोई थिन लेयर जो कि रिलेटिवली दूसरी लेयर से कम थिक है, उससे जो है वो डिस्टर्ब कर रही है डेटा को। ठीक हो गया, तो दिस वाज आवर टूडेज लेक्चर। एक्चुअली आई हैव अ मीटिंग विद HEC एंड सम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट्स आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर एट दिस पॉइंट, एंड लेट्स रीड आउट दिस टॉपिक ऑफ लिमिटेशन और रिफ्रैक्शन सर्वे, और उसके अलावा जो आपकी ये जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिसकंटिन्यूड केस है, तो इसको आप रीड आउट करें। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होते हैं आप पूछ सकते हैं हमारे ट्यूजडे वाले लेक्चर में, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क। नो सर। ओके, लेट्स रीड दिस, आफ्टर रीडिंग इफ यू हैव क्वेश्चन लेट्स नोट दोस क्वेश्चन। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा या कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रही है तो उसे आप हाईलाइट करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर से पहले या ट्यूसडे में कोई सा भी टाइम मैसेज करके आप कॉल कर सकते हैं या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, होपफुली आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन सर्वे, तो आप कोशिश करें कि उसमें जो है वो आप उसको जो है वो अच्छी तरह इनको अंडरस्टैंड भी करें और इनको समझने की कोशिश भी करें, जिससे जो है वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, दैट्स सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस एंड सम लेट अराइवल्स, तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर वी विल फिनिश दिस चैप्टर एंड वाइंड अप दिस वन। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा फिर नेक्स्ट चैप्टर रिफ्रैक्शन पे होगा। ओके, थैंक यू एंड बाय।